महाराष्ट्र के सियासी दंगल के बीच शायराना तीरों का इस्तेमाल भी खूब देखने को मिल रहा है। देवेंद्र फडणवीस के दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने शायरी के जरिए शिवसेना पर तंज कसा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, न खुदा ही मिला न विशाल सनम, न इधर हुए न उधर के हुए। बीजेपी नेता ने कहा कि शिवसेना ने धोखा दिया, लेकिन जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उसमें गिरता है। बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर शायरी के जरिए बीजेपी पर तंज कस रहे थे। शिवराज सिंह ने असल में अपनी पूर्व सहयोगी पार्टी शिवसेना पर यह तंज कसा, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए 21 अक्टूबर को चुनाव हुए थे और नतीजे 24 अक्टूबर को आए थे। राज्य में किसी पार्टी या गठबंधन के सरकार बनने का दावा पेश नहीं करने की वजह से राज्य में 12 नवंबर को राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। शिवसेना के मुख्यमंत्री पद की मांग को लेकर बीजेपी से 30 साल पुराना गठबंधन तोड़ने के बाद से राज्य में राजनीतिक संकट खड़ा हो गया था। ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। स्थिर सरकार, विकास के लिए काम करने वाली सरकार और श्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में भाजपा सरकार ने पहले भी बहुत शानदार काम किया है और इसलिए देवेंद्र जी स्वाभाविक नेता थे भाजपा। वो मुख्यमंत्री बने हैं स्थिर सरकार देने के लिए और विकास के लिए, इसी में महाराष्ट्र का कल्याण। लेकिन कट्टर विरोधी मानी जाती है एनसीपी, तो भाजपा की विरोध में भी चुनाव लड़ी थी। देखिए, स्थिर सरकार के लिए और विकास के लिए जरूरी था कि ऐसी खिचड़ी सरकार जो तीन तीन पार्टी मिलकर बनाए, वो जरूरी नहीं थी। महाराष्ट्र का बहुत नुकसान होता प्रदेश को स्थिरता देने के लिए और विकास देने के लिए ये सरकार बनी। बीते कुछ दिन पहले हुए हनी ट्रैप मामले ने प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया। इसी मामले पर जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने एक बार फिर बयान दिया। पीसी शर्मा ने कहा कि हनी ट्रैप की जांच का मामला एसआईटी के पास है, इस मामले की जांच की पूरी रिपोर्ट आएगी। इस मामले में बीजेपी के कई नेताओं के नाम सामने आने वाले हैं। जो वहाँ MIC है, ये अगर डीजल चोरी भी नहीं रोक पाएंगे तो क्या रोकेंगे? ये सर, जजों की सुरक्षा को लेकर निश्चित तौर पर जजों की सुरक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है और कोई भी चीज़ अगर मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आई होगी तो उसमें बैठक करके उसका जो भी उसमें कदम उठाएंगे उसको ये प्राथमिकता पर इस पर इस काम होगा। ₹6,221 करोड़ की मांग की थी, 1,000 करोड़ दिया है। ये 55 लाख किसानों का अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है। पहले भी हमने कहा है कि 11,000 किलोमीटर सड़कें खराब हो गई, अधिकतर जिले इससे त्रस्त हुए हैं और 1 लाख से ज़्यादा मकान ढहे। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि महीने भर से ऊपर हो गया, ये मोदी सरकार वो पैसा रिलीज नहीं कर पा रही है। 2 बार मुख्यमंत्री जी मोदी जी से और शाह जी से मिल के आ गए, या तो ये बैंकरप्ट हैं या दूसरा ये भेदभाव कर रहे हैं। और यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, नेता प्रतिपक्ष हैं गोपाल भार्गव जी, और पूरे के पूरे इनके जो सांसद हैं 28 सांसद, इन्होंने जाके वहाँ ये रोक लगाई है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब ये झाबुआ में 28,000 मतों से जीत रहे हैं बगैर ये सब दिए हुए, तो ये सब दे देंगे तो क्या होगा? तो कुल मिला के मध्य प्रदेश के किसानों के साथ बेईमानी की है केंद्र सरकार ने, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के साथ बेईमानी, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। महाराष्ट्र में NCP के साथ BJP की गठबंधन सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह ने बड़ा बयान दिया। मंत्री सिंह ने कहा कि रातों रात महाराष्ट्र का समीकरण बदलने पर यह जनता के साथ BJP ने धोखा किया। महाराष्ट्र में प्रजातंत्र की हत्या हुई है, हम इसकी निंदा करते हैं। महाराष्ट्र BJP और NCP के,
हमें जानकारी नहीं है भाई। सर केंद्र से 6000 भाई इधर दो और 1000 करोड़ ही मिला। केंद्र से जो नुकसान हुआ है, नुकसान तो बहुत अधिक हुआ है, 17000 करोड़ से अधिक का हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र से 6621 करोड़ मांगे थे, लेकिन मोदी ने अपनी सहायता न दिखाते हुए विरोधियों को प्रतिशोध के रूप में देखने वाले प्रधानमंत्री ने केवल 1000 करोड़ रुपए ऊंट की मुंह में जीरा जैसी सहायता दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मोदी से आग्रह किया कि आप पुनः और हमारी जो शेष राशि है वो भेजें। अब ये मोदी जी के ऊपर है, उनका सोच कितना सकारात्मक है और कितना विपक्षी दलों का सम्मान करते हैं, सरकारों का सम्मान करते हैं और जनता के दुख दर्द को देखते हैं। सर कर्मचारियों की समस्या निपटाने के लिए आयोग बना रही है सरकार, अभी कोई ऐसा नहीं विचार चल रहा है, मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की थी। सर महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? महाराष्ट्र में अभी बताया कि NCP ने मिली, हिंदुस्तान में राजनीतिक लोगों की जो सोच है वो दिनों दिन गिरता जा रहा है, जो उनका समाज के प्रति जनता के प्रति एक तरह की धोखा है और प्रजातंत्र के साथ अन्याय है, ये ऐसे लोग प्रजातंत्र को धीरे धीरे बदनाम कर रहे हैं और समाप्त करने की ओर कार्रवाई कर रहे हैं। NCP के कुछ एक गुट ने जो किया है भाजपा से मिलके सरकार बनाने का तय कर लिया है, साथ में हो गए हैं, उनकी मैं घोर निंदा करता हूं और उनसे कहता हूं अगर आप में हिम्मत है जो जनता के साथ आप धोखा करके विपक्ष की राजनीति उनके खिलाफ आए थे, आप तत्काल आपको त्यागपत्र दे देना चाहिए और जनता के बीच जाएं, ये हमारा उनसे अनुरोध है। सर हनी ट्रैप मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब हनी ट्रैप वाला मामला हनी ट्रैप वालों से पूछो, मैं इसमें कुछ समझता नहीं। सर एक आखिरी सवाल सर, संघीय विभागों में से किसी भी विभाग ने व्यापक तो भर्तियों का प्रस्ताव नहीं भेजा है, तो क्या ये माने कि सरकार खत्म करने पर आगे बढ़ रही है? सरकार के वचन पत्र में व्यापक खत्म करेंगे, PV चल रही है, PV के माध्यम से भर्तियां जारी हैं, उसमें भी मुख्यमंत्री जी का सोच है कि इसमें कुछ बदलाव करें और बदलाव होने के बाद आप लोगों की स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। सर स्कूलों में आउटसोर्स पर शैक्षणिक पद भरे जाएंगे? अभी तो उन्होंने भरे ही नहीं है, 15-20 साल से तो खाली पड़े हैं, अब हाल फिलहाल जल्दी में करना है तो फिलहाल ये स्थिति बनी है कि आउटसोर्स से भर के कम से कम सफाई काम तो चालू हो, जो पूरी तरह से स्कूल बर्बाद हो गए, स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता बहुत गिर चुकी है, तो तत्काल प्रारंभ के हिसाब से जल्दी करने के हिसाब से प्रक्रिया जल्दी हो, इसलिए आउटसोर्स के लिए निर्णय हमारे शिक्षा विभाग ने लिया है। सहकारिता साइबर क्राइम कायम हो रहा है पूरी जगह, पूरे प्रदेश में और देश में बैंकों से पैसा निकाला जा रहा है, तमाम लोग बेचारे सेवा समाप्त करने के बाद अपनी पेंशन रखते वो भी उसके साथ धोखाधड़ी होके पूरा खाता साफ हो जाता है, इसलिए आज अपेक्स बैंक में साइबर क्राइम को किस प्रकार रोका जाए उसके वैज्ञानिकों को, उनके अनुभवी व्यक्तियों को और वैज्ञानिकों को बुला के अपने प्रदेश के सहकारिता क्षेत्र के कर्मचारी, शासकीय अधिकारी कर्मचारी, विभिन्न बैंकों के अपेक्स बैंक के कर्मचारियों को बुलाकर दिन भर कार्यशाला चलेगी और इसमें निचोड़ निकाला जाएगा किस प्रकार हम सहकारी क्षेत्र को क्राइम साइबर क्राइम से निकलने वाली लूट से बचा सके। सर नोटबंदी के टाइम बहुत नोट बदले थे सहकारी बैंकों में? अरे मध्य प्रदेश में बदले हैं, उसकी कह दिया है अब बदल लिए, उनके खिलाफ इनकम टैक्स विभाग को कार्रवाई करना चाहिए। अब बहुत जो नोट बदले हैं सहकारी बैंक में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के और अमित शाह के भी बदले हैं, जो वहाँ पे उनके बैंक थी उस बैंक से बहुत भारी पैमाने पर गुजरात में सहकारी बैंक से नोट की अदला बदली हुई करोड़ों 1000 करोड़ रुपए में, इसलिए उस पर जांच हो, मोदी जी को नैतिकता दिखाते हुए कठोर कार्रवाई करना चाहिए। सर आप करेंगे मध्य प्रदेश के सहकारी बैंकों में जांच की मांग? नहीं अब ऐसा है कि बहुत स्थिति हम काम करने के लिए रोज हजारों जांच पे जांच नहीं करेंगे, IT विभाग का काम है।
महाराष्ट्र में हुए अचानक उलटफेर के बाद सियासी गलियारों में जमकर हलचल मची हुई है। बयानबाजी के दौर ने रफ्तार पकड़ ली, एक के बाद एक नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं एमपी में भी चर्चाओं का बाजार गर्म हो चला है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पॉलिटिकल रिएक्शन की झड़ी लग गई है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने राज्यपाल पर कई सवाल दाग दिए है और बीजेपी को जमकर आड़े हाथों लिया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र में संविधान का मखोल उड़ाया गया। उद्धव ठाकरे से अपील की है कि शिवसेना सड़कों पर उतरे, कांग्रेस उनका पूरा साथ देगी। रातों रात क्या हुआ पता नहीं। एनसीपी का कोई विधायक बीजेपी के साथ नहीं है, केवल अजीत पवार उनके साथ गए। दिग्विजय सिंह एवं पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि क्या एनसीपी के विधायकों के हस्ताक्षर का पत्र राज्यपाल को सौंपा गया है। उन्होंने गोवा में भी ऐसा किया था और महाराष्ट्र में भी कर रहे हैं। यदि देवेंद्र फडणवीस थे, उन्होंने अजीत पवार के भ्रष्टाचार को अपने चुनाव में मुद्दा बनाया था, अब उसका क्या होगा ये चुनौती है। उद्धव ठाकरे जी की क्या ताकत है ये सड़क पर उतर कर बताएं। सर, महाराष्ट्र में जिस तरह की से सरकार अचानक बना दी गई, सुबह 7:30-8 बजे शपथ दिलाई गई, लाल किला घटनाक्रम था, आपने कई सारे ट्वीट किए, क्या आपको आपने ट्वीट देखी है जी। मूल बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, सरकारी या कमीशन के निर्देश हैं कि कभी गवर्नर हाउस मेजॉरिटी प्रूव करने की का स्थान नहीं हो सकता, वो विधानसभा होती है और उसमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाना चाहिए और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाकर और उसे मौका देना चाहिए। उन्होंने बुलाया, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ने मना कर दिया, हम नहीं बना सकते। अब रातों रात क्या हुआ हम नहीं समझ पा रहे हैं। एनसीपी की डिप्टी चीफ मिनिस्टर और भाजपा के चीफ मिनिस्टर बना दिए गए। मेरा प्रश्न यह है कि क्या माननीय राज्यपाल जी को एनसीपी के अध्यक्ष श्री जयंत पाटिल का लेटर गया? मेरा उनसे प्रश्न यह है कि उन क्या सभी एनसीपी के विधायकों का हस्ताक्षरित पत्र उनको दिया गया? यदि नहीं दिया गया तो फिर किस आधार पर उन्होंने फडणवीस जी और अजीत पवार जी को एनसीपी के उन्होंने शपथ ग्रहण कराई? ये घोर असंवैधानिक है और यही हालात जो हैं इन्होंने गोवा में किए, मेघालय में किए, मणिपुर में किए और अब यहाँ महाराष्ट्र में किए हैं। यह संविधान के का मखौल उड़ाया जा रहा है। और मोदी जी, जहाँ तक सवाल है, ये देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार जी के भ्रष्टाचार के प्रकरणों को उन्होंने चुनाव में मुद्दा बनाया, गांव-गांव गए, जिले-जिले गए, शहर-शहर गए, विधानसभा में, विधानसभा के बाहर, आज वो उप मुख्यमंत्री होंगे। उन प्रकरण का क्या होगा? जो प्रकरण दर्ज हुए हैं उनका क्या होगा? बात यही है, चुनाव के पहले मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब प्रधानमंत्री बनने के बाद खूब खाओ, खाकर खूब खिलाओ और ईडी, आईटी, सीबीआई से मुक्ति पाओ। शरद पवार कह रहे हैं कि मैं भी पक्ष में नहीं हूँ, सुप्रिया सुले भी ये कह रही हैं। बिल्कुल, एनसीपी का कोई विधायक उनके साथ नहीं जाने वाला, अकेले गए अजीत पवार। आपने सबको सड़क पर उतरने की सलाह दी? बिल्कुल, सड़क पर उतरना चाहिए संविधान की रक्षा के लिए। ये चुनौती है उद्धव ठाकरे जी को, क्या ताकत है शिवसेना की मुंबई में दिखा दे। कांग्रेस साथ देगी? निश्चित तौर पर साथ देगी। भोपाल से मोइन खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी ने सांची में महाबोधि महोत्सव के शुभारंभ पर पवित्र अस्थि अवशेष के दर्शन कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर परिक्रमा की। इस अवसर पर महाबोधि सोसाइटी ने श्रीलंका महाबोधि सोसाइटी के अध्यक्ष बानगल को सौजन्य भेंट की। Thank you.